मगर सीता जी को भी तो कोई पता नहीं, इस प्राय देश में अपना भी कोई नहीं जिससे पूछताछ करके कुछ सुराग मिले। चलकर देखना चाहिए, शायद यहीं से कुछ पता मिले। अति अपार दर्शन से एक ही कृपा निधान, क्या आज्ञा है दास को बतलाओ श्रीमान। महाराज आपको देख देख खुद खुद मेरा जी खींचता है, है आप कोई हरि भक्त दिए मुझे दिखाई पड़ता है। क्या बड़भागी करने आए हो मुझसे मूर्ति शाचर को, हे महाराज मेरी चरणों से कीजिए पवित्र मेरे घर को। सज्जन है सत्संगी है बहुत छुपाए कहीं छुपते हैं, बस एक राह के दो राह ही देखिए इस तरह मिलते हैं। तुम आज से मेरे भ्राता हुए, अब मुझे तुमसे धोखा क्या, सब सच्चा हाथ सुनाता हूँ। नरक रूप जो रखा है ब्राह्मण के रूप का धोखा है, मैं हनुमान एक वानर हूँ, सीता सुत लेने आया हूँ श्री रामचंद्र जी का चाकर। इस तरह बेचारी दुबान रहे 32 के लिए दांतों में, बस उसी तरह रहते हैं हनुमान हम इन असुरों में। ए भाई तुम तो धन्य हुए जो रामचंद्र के दास हो, हर घड़ी हर वक्त हर घंटे सचिदानंद के पास हो। क्या मुझसे अदम अनाथ के रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को रघुनाथ रखेंगे साथ कभी। रघुनंदन बड़े दयालु हैं, वह तुम्हें अवश्य अपनाएंगे, जब शरण में तुम उनकी जाओगे सब संकट उनका हर लेंगे। जो शरण में उनकी जाता है सब दुख उनके दूर करते हैं। किंतु महाराज आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे सीता माता की खबर दीजिए कि वो इस समय कहाँ मिलेगी। जिस बाग में माता रहती है वह बाग अशोक कहलाता है। दानव मनुष्य की क्या गिनती, पक्षी जाता घबराता है। हम मददगार हर वक्त के हैं, इसलिए कभी मन में ना डरो, नाम श्री रघुवीर का ले काम को अपने। महाराज मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम। और कुंदनलाल इन्होंने बड़ी मेहनत से झांकी तैयार की थी, तो मैं ज्यादा समय ना लूंगा। जैसे मुझे आह परमात्मा तेरे घर में भी मुझ पापिन के लिए कोई जगह नहीं, मैं बहुत खा चुकी, हर प्रकार से मजबूर और लाचार हूँ और मायूस होकर जान देने पर तैयार हूँ। प्यारे लक्ष्मण मेरी गलती माफ करना, मैं अपनी मुक्ताई पर बहुत परेशान हूँ और इस दुनिया में चंद घंटों की मेहमान में। बस किसी की एक रस्सी बना लूंगी और यही फंस कर अपने गले में लगा लूंगी और स्वर्ग की राह लूंगी। स्वामी जी इस बार देख जा हालत अपनी दासी की, तुम भी कौन लेवे खबर मुझ भूखी और प्यासी की। कहूँ मैं किसे अपने नाम और उदासी की,
कौन निकालेगा अगर मेरे गले से रस्सी और फांसी की। परमात्मन, मैं आए दिन की मुसीबतों से बहुत तंग हूँ, खुशी से मरना मशहूर करती हूँ, मगर आखिरी बार आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। प्राण प्यारे की अंगूठी है और मेरे स्वामी की अंगूठी है, मेरे प्यारे स्वामी की अंगूठी मेरी किस्मत के साथ तू भी मुझसे ऐसी रुकी कि तुझको भी मेरे हाल पर कुछ दया ना आई और इतनी मुद्दत के बाद आज शक्ल दिखाई। जय श्री राम और सियापति रामचंद्र की। जो वृक्ष के ऊपर बैठा है और छुप कर बातें करता है, जिसके मुख से अमृतवाणी बरसती है, जो जान रहा सब भेदों को और बीज प्रीत का बोता है, वह कौन है और कहाँ है, क्यों प्रकट नहीं होता है। माता जी प्रणाम। भाई आप कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। माता जी मैं श्री राम नायक अदना से हूँ और मेरा नाम हनुमान है, मगर मैंने तो तुम्हें उनके पास कभी आते जाते नहीं देखा। बेशक आपका प्रमाण सही है, आपकी मौजूदगी में मेरी उन तक कोई पहुंच न थी, मगर आपकी खोज के दौरान हमारे राजा वानर राज सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया, तभी से यह सेवक भी। दूर मक्का दूर, वो वही था जो मैं ढूंढता था गया। अब तो मैं मिट्टी को सूंघ के बता दूं कि ये वो बेमान रावण की कहानी। सच कहता हूँ है माता, अपने वेद भगवान की कसम, करुणा निदान का दूत हूँ मैं, है मुझे अपनी जान की कसम, मैं राम दूत हूँ है माता, है हनुमान नाम मेरा, खुद आपकी लेने आया हूँ, कर ये स्वीकार करो। मैं माता जी, मैं आते समय श्री रघुवीर जी से यह अंगूठी बतौर निशानी लाया हूँ, आप इसे अच्छी तरह पहचान लीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए। हे हनुमान जल्दी से कहो, प्राणों के नाम अच्छे तो हैं और लक्ष्मण जी की क्या हालत है, भाई के साथ अच्छे तो हैं, फिर यह बतलाओ महाराज मुझे याद भी करते हैं। माँ सत्य जानिए, यह दिल में वह दुख ही दुख में रहते हैं। माइक किसी आगे चुपचाप। अरे कौन है, कौन जो कौक रहा इस तरह बाग को उजारत है, यह तो बाग में खेरू भी पर नहीं मारत है। क्यों मेंढक की तरह टट रहा है और खाम खा सिर पर चढ़ा रहा है। रात भयो तून बहरो है, पर तू नहीं जानत यहाँ की दर्शक पहरो है। बेहतर है यहाँ से चले जाओ और मुफ्त में अपनी जान ना गवाओ। अरे हमें मौत का भय दिखावत है, भला हम तलब कौन बात की दावत है। हम देखत है तून भाग कर कहाँ जावत है। भाग कर
कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुमको और तुम्हारे हिमायती को जहन्नम में पहुंचाऊंगा। राजू छोड़ दे चीज को।